गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड सो टुडे डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ईवीएस वर्कशीट चैप्टर नंबर फोर्टीन द स्टोरी ऑफ फूड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फर्स्ट व्हिच ऑफ दिस फूड इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ अब इनमें कुछ आपको कैटेगरीज दी हुई हैं फूड की आपको बताना है कि कौन सा फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है ए पोटैटो चिप्स बी फ्रेंच फ्राइज सी बर्गर्स डी स्प्राउट्स सो द आंसर इज स्प्राउट्स स्प्राउट्स जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं नेक्स्ट विच ऑफ़ दिज फूड इज़ नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स इनमें से कौन से फ़ूड हैं जो कि आपको प्लांट्स से नहीं मिलते ए मैंगो बी हनी सी टमेटो डी स्पिनाच सो द आंसर इज हनी नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो डेयरी का प्रोडक्ट नहीं है ए मिल्क बी पनीर सी टॉफी डी बटर सो द आंसर इज़ टॉफी नेक्स्ट हु शुड हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली फैमिली में किसको हेल्प करनी चाहिए फूड कुक करवाने में ए ओनली मदर बी ओनली फादर सी ओनली किड्स डी एवरी वन सो द आंसर इज एवरी वन एवरी वन मीन्स मदर फादर किड्स सबको मिलके एक साथ हेल्प करने चाहिए एक दूसरे की कुकिंग फूड में नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद स्वीटेबल वर्ड्स वी शुड हैव लीस्ट डैश मील्स अ डे हमें डे uh, uh, में कितनी मील्स uh, लेनी चाहिए सो द आंसर इज थ्री नेक्स्ट डैश इन द मॉर्निंग शुड बी फिलिंग सो दैट वी गेट इनफ एनर्जी टू स्टार्ट द डे मॉर्निंग में क्या चीज़ आपको भरपेट खाना चाहिए जिससे कि आपको अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एनर्जी मिले तो दैट इज ब्रेकफस्ट दैश शुड बी अर्ली एंड लाइट बिकॉज़ वी स्लीप आफ्टर दैट क्या चीज़ बहुत ही जल्दी खाना चाहिए करना चाहिए और बहुत ही हल्का होना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम सो जाते हैं सो दैट इज डिनर डिनर जो है वो आप रात में करते हैं तो इसलिए आपको वो थोड़ा जल्दी करना चाहिए और थोड़ा हल्का खाना चाहिए नेक्स्ट वी शुड नेवर डैश एनी थिंग हमें क्या चीज़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए ओवर ईट ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना चाहिए नेक्स्ट फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले फूड हमें क्या देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग फर्स्ट इज फ्लावर्स फ्लावर्स यू विल मैच विद फ्लावर्स ऑफ कचनार नेक्स्ट फ्रूट्स फ्रूट्स यू विल मैच विद मैंगो एंड बनाना नेक्स्ट लीव्स यू विल मैच विद स्पनेच रेडिश नेक्स्ट एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट यू विल मैच विद लोटस स्टेम नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस Question 1. What kind of work are people doing in both the families? Dono families may kis tare ka kaam kar rahe hai log? First, uh, so the answer first, uh, first we will talk about Venu's family. Mother is preparing food, father is cleaning the floor, all the people of the family are eating food together, mother and father are reading newspapers and Venu is cycling. मदर जो है वो खाना बना रही हैं फादर जो है वो फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं और जितने भी फैमिली के मेम्बर्स हैं उसके बाद वो लोग खाना एक साथ बैठ खा रहे हैं एंड आफ्टर दैट मदर और फादर जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वीनू क्या कर रही है साइकिलिंग कर रही है नेक्स्ट कम टू रानी इज़ फैमिली मदर इज़ कुकिंग फूड मेल्स ऑफ द फैमिली आर हैविंग फूड एंड रानी इज़ सर्विंग द फूड रानी एंड हर मदर आर फेचिंग वाटर हस्क एंड रानी इज़ फादर इज़ रीडिंग न्यूज़ पेपर अब रानी की फैमिली में जो रानी की मदर हैं वो खाना बना रही हैं जो घर के मेल्स हैं वो खाना खा रहे हैं और रानी जो है वो फूड सर्व कर रही है और रानी जो है और उनकी मदर ये पानी भर के ला रहे हैं और हस्क लेके आ रहे हैं और रानी के जो फादर हैं वो क्या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम सम वर्क डन इन योर हाउस बाय एवरी फैमिली मेंबर आपको कुछ वर्क ऐसे बताने हैं जो कि आपके घर में हर एक फैमिली मेंबर करते हैं ऑलमोस्ट सो द आंसर इज कुकिंग फूड स्वीपिंग बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट क्लीनिंग द यूटेंसिल्स फिलिंग वाटर रीडिंग बुक्स ऑन न्यूज़पेपर्स पेपर्स मॉपिंग द फ्लो अब खाना बनाना स्वीपिंग करना चीज़ें खरीद के लाना मार्केट से बर्तन साफ़ करना पानी भरना बुक्स या न्यूज़पेपर्स रीड करना या फिर झाड़ू लगाना फ्लोर पे तो ये ऑलमोस्ट सभी के घर में हर मेंबर काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स अब हमें कुछ फूड आइटम्स के नेम बताने जो कि हमें किससे मिलते हैं प्लांट से सुधान से टर्मरिक कॉर्न लेमन कोरिएंडर स्पेच

आप क्या लेते हो जब आपके चोट लग जाती है अप्लाई टर्मरिक आप लोग क्या लगाते हो टर्मरिक मीन्स हल्दी लगाते हो नेक्स्ट हैव अ स्टमक एक जब आपके पेट में दर्द होता है तब अजवाइन एंड ब्लैक सॉल्ट विद वाटर अजवाइन लेते हो और ब्लैक सॉल्ट किसके साथ पानी में नेक्स्ट हैव कफ एंड कोल्ड जब आपको खांसी जुकाम वगैरह होता है तब क्या कर लेते हैं हम? मिल्क विद टर्मरिक हल्दी वाला दूध लेते हैं नेक्स्ट हैव अ टू तेग जब आपके दांतों में दर्द होता है पुट क्लोव ऑयल इन माउथ जो लौंग का तेल होता है वो आप कहाँ ना डालते हैं अपने माउथ में सो चिल्ड्रन कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन